माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि वह सजग रहें, सचेत रहें। रेड जोन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले सभी जिलों में सख्ती रखते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इसको ब्रेक किया जाए। ग्रीन जोन में जिला एडमिनिस्ट्रेशन सर्विलेंस पर फोकस रखते हुए अलर्ट रहे ताकि उस जिले में यह संकट प्रवेश न करे। स्लम्स में, बाजारों में और अन्य स्थानों पर जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है, वहां प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। स्लम्स में होम क्वारंटाइन के स्थान पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को बढ़ावा देना जरूरी है। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये लड़ाई पेशेंट की नहीं है, डॉक्टर्स की नहीं है, सरकार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज और पूरे देश की लड़ाई है। पूरे समाज को साथ लिए बिना, पूरे समाज का सपोर्ट लिए बिना हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाना है, लॉकडाउन का यह आखिरी सप्ताह है, लेकिन 3 मई के बाद क्या होगा? इस वक्त पूरे देश के मन में यही सवाल है। बस क्या कुछ राहत मिल सकती है 3 मई के बाद, या लॉकडाउन 3 के लिए पूरा देश इस वक्त कमर कस ले? प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लॉकडाउन को लेकर उनके साथ चर्चा की। माता पच्ची की बैठक से जो बातें बाहर आई उसके मुताबिक शायद यही तय हुआ है कि धीरे धीरे ही लॉकडाउन को हटाना। हमारे साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री राजस्थान के सचिन पायलट इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सचिन जी, आपके पास आने से पहले दर्शकों को अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे तस्वीर साफ होगी कि स्ट्रैटेजी क्या है जिसके साथ देश आगे बढ़ रहा है। क्या अब देश में लॉकडाउन 3 की तैयारी शुरू हो गई है? ये लॉकडाउन 2 का आखिरी सप्ताह है और देश में संपूर्ण लॉकडाउन का 34वां दिन, 6 दिन अभी बाकी है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए 3 मई तक का इंतजार करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 3 घंटे तक चली बैठक में ऐसे संकेत जरूर मिले कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण की परिस्थिति नियंत्रण के बाहर है, वहां अभी लॉकडाउन में ढील की कोई संभावना नहीं। जिन राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, उनमें टॉप 5 राज्यों के आंकड़े बता रहे हैं कि यहां पर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले अभी भी काबू में नहीं आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,068 मामले हैं, वहीं गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,301 है। दिल्ली में कोरोना के मामले 2,918 तो राजस्थान में 2,185 मरीज है। मध्य प्रदेश में 2,096 मरीज है। इसमें सबसे ज्यादा चिंता तो इस बात को लेकर है कि अकेले महाराष्ट्र की हिस्सेदारी करीब 30% है और 5 राज्यों के मामले देश के कुल मामलों के 66% से ज्यादा है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या 3 मई के बाद इन राज्यों में लॉकडाउन 3 उसी सख्ती के साथ चलेगा जैसे अभी है, या फिर कोरोना मामलों के हिसाब से अलग अलग जोन बनाकर नई रणनीति पर काम होगा। जानकारी ये भी आई है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में ये सहमति बनी कि हर राज्य में कोरोना केस के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए जाएंगे। फिलहाल 85 जिलों में 14 दिन से कोई नया मामला नहीं आया है। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलोअप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। देश में फिलहाल जो कोरोना केस है उसके हिसाब से हमारी DIU की टीम ने भी आंकड़े इकट्ठा कर इस तरह से देश के अलग अलग जिलों में ये जोन बनाए हैं। अब नजर इसी बात पर होगी कि क्या 3 मई के बाद कुछ कोरोना फ्री जिलों में ढील दी जाएगी या लॉकडाउन 3 सख्ती से पूरे देश में जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजस्थान के सचिन पायलट जुड़ गए हैं। सचिन जी, आज मैं वही सवाल आपसे पहला पूछूंगी जो शायद देश का कोई भी आम व्यक्ति अगर उसको सीधा एक्सेस होता तो वो आपसे यही पूछता। सर, क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो किस तरह से, क्या इतनी ही सख्ती के साथ?
मुझे लगता है कि लॉकडाउन की उपयोगिता खत्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि संपूर्ण देश को पूरी तरह लॉकडाउन में रखना बहुत लंबे समय तक उपयोगी नहीं रहेगा। देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पुनर्जीवित करना पड़ेगा, लेकिन जो एहतियात और जो प्रिकॉशंस हमको लेने हैं उसमें कोई ढिलाई देने की स्थिति में वहां पर नहीं होंगे जहां पर केसेस बहुत ज्यादा हैं। जिन स्टेट्स में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, संक्रमण का खौफ ज्यादा है, वहां पर हमें अपना लॉकडाउन मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि मत भूलिए कि पिछले 40-35 दिनों की जो मेहनत है वो धराशायी हो जाएगी अगर हम सारे यातायात, बसें, ट्रेन खोल देंगे। तो स्टेजेस में खोलना पड़ेगा और अलग अलग राज्य के भीतर में भी अलग अलग जिलों की अलग अलग स्थितियां हैं, उसके अनुरूप हमें गतिविधि को, आर्थिक कामों को थोड़ा पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और किसानों के लिए, खेत में जो हमारा कृषक वर्ग है, उनके लिए पूरी खुली छूट देकर काम कराना पड़ेगा ताकि जो हमारा सप्लाई चेन है वो लगातार मेंटेन रहे। तो लॉकडाउन की जो रिटर्न्स हैं वो डिमिनिशिंग है, लेकिन ये कहना बड़ा गलत होगा कि हम अति आत्मविश्वास में लॉकडाउन को उठा दें और फिर दोबारा से संक्रमण दोबारा फैल जाए। ये मैं समझता हूँ किसी कीमत पर हमारा मुल्क, हमारा देश अभी इस स्थिति में नहीं है कि उसको हम सहन कर पाए। राजस्थान के हम आंकड़े दिखा रहे हैं, अभी संक्रमण के हिसाब से चौथे नंबर पर है। जो जानकारी बाहर आई आप ही बेहतर बता पाएंगे, क्या चार ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री से कहा कि अभी लॉकडाउन नहीं हटाना चाहिए? राजस्थान का इस मामले में क्या सबमिशन है, आप अपने राज्य के लिए क्या चाहते हैं? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को जनरल गाइडलाइंस देनी चाहिए और हर स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा फ्लेक्सिबल होके उन पे छोड़ना चाहिए कि कितना वो खोल सकते हैं, कितना खोलना चाहिए। एक जनरल गाइडलाइन भारत सरकार को निश्चित रूप से देनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में हमारे यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स इन्फेक्टेड होते हैं उनमें से काफी ठीक होकर जा रहे हैं और हम लोगों ने मेहनत कर कम से कम टेस्ट जो है हम लोगों ने बाकी देश में जो हो रहा है उससे ज्यादा हम टेस्ट भी कर रहे हैं। अंत में टेस्ट करना ही इस समस्या का समाधान है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हम एक मॉडिफाइड लॉकडाउन हमने किया है और जो लॉकडाउन 2.0 था उसके अंदर भी हम लोगों ने जो नगर निगम के बाहर की सीमा है वहां पर हमने उद्योगों को चालू किया जहां वर्कर वहीं पर रह रहे हैं, मंडियां खोल रही हैं, किसान अपना फसल बेच पा रहा है और नरेगा में हम लोगों ने काम चालू किया। 17 अप्रैल को राजस्थान में 60,000 लोग नरेगा में काम ले रहे थे, आज वो आंकड़ा 10 लाख का है। तो लोगों के हाथ में आमदनी पहुंचे, लोग अपने घरों में, खेतों में काम कर सकें। क्योंकि मत भूलिए, ये कहना बड़ा आसान है अंजना जी कि घरों में रहिए, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं है, जो अपने घरों तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे? उनके राशन का, रहने का, स्वास्थ्य का, उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी, आर्थिक संसाधन जुटाने के साथ साथ उपचार भी हो, देखभाल भी हो, प्रिकॉशंस भी लें। तो बड़ा संतुलित और बहुत ही नुआंस तरीके से हम लोगों को इस लॉकडाउन को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि बड़ी धीम हल्की सी लकीर है सचिन जी, अगर आप देखें तो एक तरफ मानवीयता के आधार पर अगर आप सोचें और दूसरी तरफ मानवता के सबसे बड़े संकट काल में मानवों की ही जिंदगी को बचाने के लिए लॉकडाउन का फैसला है। क्या आपको लगता है केंद्र की एक नीति बेहतर रहेगी अगर राज्यों पर छोड़ दिया जाए और वहां पे जरा सा भी मिसमैनेजमेंट हो गया, बहुत बहुत बारीक लकीर है, मिसमैनेजमेंट होने की परिस्थिति में बेकाबू होगा? और हमने देखा है कि चाहे वो इंदौर हो मध्य प्रदेश में या फिर आपके राज्य में रामगंज हो या फिर धारावी मुंबई, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए मुंबई और पुणे यही दोनों सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स हैं, ऐसे जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर हुई थोड़ी सी भी गड़बड़ी इस वक्त देश के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जहां पर केसेस ज्यादा हैं, जहां पर हमारे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वहां तो सवाल ही नहीं उठता कि हम कोई ढिलाई दें। लेकिन जो 85 जिले हैं, जो राज्य के ऐसे हिस्से हैं जहां पर कोई संक्रमण है नहीं और पिछले 14 दिन से कोई नया केस नहीं आया, वहां पर हम धीरे धीरे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट या केंद्र की सरकार ये चाहेगी कि जो डेंजर जोन है, जो रेड जोन है, वहां पर हम बेवजह ढिलाई दें, क्योंकि हमारा देश अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हमारी जो स्वास्थ्य की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी ताकतवर नहीं है। अब अमेरिका में जो हाल हो रहा है, इंग्लैंड में, इटली और फ्रांस में जो हो रहा है, जब ऐसे विकसित देश ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग कैसे करेंगे? इसलिए जहां पर इन्फेक्शन बढ़े हुए हैं, जो रेड जोन है, वहां पर हम कोई ढिलाई दें, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक चूक हो सकती है। इसलिए जहां पर हमें डेंजर कम लगता है वहां पर हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आपने कहा संतुलित करना पड़ेगा, मुझे तो लगता है कि इसमें सरकार के साथ साथ पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कर्फ्यू घोषित कर दीजिए, लॉकडाउन कर दीजिए और लोग उसकी पालना नहीं करें तो उसका औचित्य खत्म हो जाएगा।
तो सरकार और समाज को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और एक भविष्य की प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। और मत भूलिए कि बहुत जल्द हम सोचें कि लॉकडाउन उठ जाएगा और वापस जीवन उसी पटरी पर आ जाएगा जहां पहले था, वो मुझे लगता है संभव नहीं है। बहुत समझदारी से, सावचेती से हमें अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और ये जब तक वैक्सीन इसकी डेवलप नहीं होती, अभी सुपर वैक्सीन इंग्लैंड में वो लोग चालू कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे कोई समस्या नहीं है देश में जिसकी जनता और हम लोग मिलकर उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और अनुशासन से अपना जीवन जीना पड़ेगा। अभी तो खैर क्लिनिकल ट्रायल्स ही ऑक्सफोर्ड में हो रहे हैं, अगर वो सफल हो जाते हैं तब भी बहुत वक्त लग सकता है, एक साल तो लग ही जाएगा ही कोई भी ठोस दवा आने में। मैं अब जरा वो जो जोन्स वाला मैप है वो दिखाइए, क्योंकि रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स पर बात करना चाह रही थी। जो हॉटस्पॉट जिले हैं आपके राजस्थान में, उनमें जयपुर, टोंक, बांसवाड़ा, जोधपुर, कोटा, झुंझुनू, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़, भरतपुर, ये तमाम इलाके हैं। हॉटस्पॉट्स को लेकर क्या पॉलिसी रहेगी, क्योंकि पिछली बार भी जब आपके राज्य की बात हो रही थी तो कई सारे हॉटस्पॉट्स हैं। दिल्ली में ही देखिए सेंचुरी से ज्यादा, 100 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स हो चुके हैं। हॉटस्पॉट्स को मैनेज करना, सेल्फ सफिशिएंट बनाना, मतलब वहीं पर सब कुछ हो जाए, यह भी एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वहां पर आ रही दिक्कतें फिर सबके मनस्थिति को प्रभावित करती हैं और वहां जो जी रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल होती ही है। बिल्कुल, मैं तो लोगों को बोलता हूं जो कहते हैं कि हम लॉकडाउन में बड़े परेशान हैं, हम घरों के आगे निकल नहीं पा रहे हैं, वॉक्स के लिए जा नहीं पा रहे हैं, दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मैं कहता हूं उन लोगों को देखिए जो बिल्कुल कर्फ्यू में रह रहे हैं, जिनके लिए राशन, चावल, दाल, चाय पत्ती, मसाला, दूध, पानी हम लोग घरों तक पहुंचा रहे हैं, वो तो बिल्कुल कंप्लीट सुपर कर्फ्यू लगा हुआ है। जो रेड जोन्स हैं, कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो 2 किलोमीटर के आसपास उसके यहाँ कर्फ्यू लग जाता है और हम मूवमेंट बिल्कुल रोक देते हैं। जब तक आप इंसानों का और व्हीकल्स का मूवमेंट बिल्कुल नहीं रोकेंगे और कोई जान पहचान से अपना पास बनवा के लिए आता है, कोई बहाने करके बाहर आ जाता है, तो फिर वो कर्फ्यू का मतलब नहीं रहता। तो बड़ा रूथलेसली हम लोगों को कर्फ्यू इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और रेड जोन को येलो और फिर ग्रीन करने के लिए पब्लिक को थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कोई सरकार नहीं चाहती कर्फ्यू लगाए, कौन राजनेता चाहेगा कि अपने लोगों को घरों में बंद रखें, लेकिन कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है, यही है कि हम घर में रहकर और लोगों के डोर स्टेप्स तक वो सर्विसेज पहुंचाएं। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो अपने जान हथेली पे लेकर हमको चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो वहां तक उनका मूवमेंट भी हम लिमिट कर देते हैं और किसी तरह से लोग बाहर ना पाए, आवाजाही बिल्कुल समाप्त हो जाए, तभी कुछ दिनों में जाकर हम उसको कंटेन कर पाएंगे। लेकिन टेस्टिंग हर राज्य को बढ़ानी चाहिए, बिना टेस्टिंग के हम वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते। एक जो ग्राफिक्स हमने खास तौर पर बनाए हैं वो है मोर्टेलिटी रेट, यानी मृत्यु दर के। जब हम पूरे देश का, ये जरा एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए ये जो ग्राफिक्स है, जब हम मोर्टेलिटी रेट देखते हैं सचिन जी, जो पूरे देश का है वो 3.2% है। महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत ज्यादा है, सबसे आगे गुजरात है 4.57 और महाराष्ट्र जहां नंबर 1 है मरीजों में, वहां पर भी काफी ज्यादा है मृत्यु दर 4.23। मोर्टैलिटी रेट राजस्थान वर्सेस ऑल इंडिया में आप काफी आगे देखते हैं, जिसमें लगता है कि आप नियंत्रित हैं। आज तक के आंकड़े के हिसाब से सबसे कम मृत्यु दर यहां पर 1.51 राजस्थान में है। सबसे बड़ी वजह इसकी आप क्या बताएंगे, जिससे एक ऐसा टेक अवे हो जो अन्य राज्यों में भी तस्वीर को समझने में आसानी हो? इसमें 2 बातें हैं अंजना जी। एक तो यह है कि हमारे यहाँ जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो कम उम्र के हैं और ये एक कारण है कि हमारे यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो अलग है बाकी स्टेट से। और दूसरा, हम लोगों ने कोशिश की है कि जो अलग अलग वैकल्पिक मेडिसिन हैं या जो भी हम उपचार करा सकते हैं वो कराएं, लेकिन जो स्ट्रेन ऑफ वायरस है वो अखबारों में भी हमने देखा है कि गुजरात के अंदर, इंदौर के अंदर एक अलग तरह का स्ट्रेन है, वही स्ट्रेन है जो वुहान में था, तो शायद उसमें फर्क हो सकता है। लेकिन राजस्थान में भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट कम है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को निसंकोच होकर सामने आए, जांच करवाएं। और एक स्टिग्मा लगा हुआ है, आजकल कोई अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको एक समाज में बड़ी नकारात्मक दृष्टि से लोग देखते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस बीमारी से निजात पाकर स्वस्थ होकर बाहर आते हैं उपचार कराने के बाद। इसलिए स्वयं लोग आए, टेस्ट कराएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, किसी की गलती नहीं है। संक्रमण होने के बाद आप इसमें ठीक हो सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर भंडारी SMS के हैं, बाकी सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत करी है। जो पहला पेशेंट था अंजना जी राजस्थान में, वो 2 मार्च को हम डिटेक्ट किया था, इटालियन एक व्यक्ति थे। उसके बाद लगातार हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि अगर हम सच में धैर्य रखें तो बहुत कम लोग हैं जो इस कोविड-19 से
आईसीयू और फिर वेंटिलेटर पर जाते हैं। अधिकांश लोग इसमें उपचार के बाद स्वस्थ हो जाते हैं, खासकर वो लोग जो कम उम्र के, जिनको पहले से बीमारी ना हो, कोई डायबिटिक है, किसी का ऑपरेशन हुआ हुआ है, किसी को क्रॉनिक इलनेस है, उन लोगों को खतरा ज्यादा होता है इस COVID-19 से। वो बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई है, क्योंकि उस पर आज तक पर भी हम लगातार स्टोरीज दिखाएंगे कैसे इंदौर में और एक दो जगह पर अहमदाबाद में बताया जा रहा है जो स्ट्रेन है वायरस का वो ज्यादा खतरनाक है और शायद इसलिए वहां पर ज्यादा मौतें हो रही हैं। तस्वीर हर जगह की अलग अलग है, लेकिन एक बार फिर मैं आगे बढ़ने से पहले जरा एग्जिट प्लान पर आना चाहती हूं और वो ग्राफिक्स भी जरा दिखाइए। जब विश्व के तमाम आंकड़े जो अलग अलग देशों के हैं हम दिखाते हैं, तो अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा 77 दिन वुहान में चाइना ने लॉकडाउन रखा था। जो लॉकडाउन की अवधि है वो मैं सचिन जी इस वक्त दिखा रही हूं। इसके बाद जो यूरोप बहुत ज्यादा प्रभावित रहा उसमें 56 दिन फ्रांस ने रखा, इटली ने 56 दिन रखा। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो बेल्जियम 48, ब्रिटेन ने 46 दिन का रखा, अभी भी ऑस्ट्रेलिया में भी 50 दिन का, कई जगहों पर स्पेन में 57 दिन का। ये अलग अलग देशों ने कितने दिन लॉकडाउन रखा है वो हम दिखा रहे हैं वर्सेस इंडिया, और ये हम आपको अलग अलग देशों की जो रिकवरी है, जो लोग ठीक हो रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है रिकवरी रेट और इन लॉकडाउन की अवधि के बीच में, कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक एग्जिट मॉडल के साथ भी आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी सितंबर तक हम स्कूल्स को तो बिल्कुल बंद रखेंगे, स्कूल्स को हम सितंबर तक बिल्कुल नहीं खोलेंगे, लेकिन फैक्ट्रीज में हम धीरे धीरे अब काम शुरू करेंगे। एक एग्जिट प्लान की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आप की नजर में जो आप देख रहे हैं पिछले दिनों में, किसानों का आपने कहा जरूरी है, कुछ फैक्ट्रीज में जहां वर्कर्स वहीं रह सकते हैं उसको हम धीरे धीरे रिज्यूम करें, स्कूल्स कॉलेजेस बाहर लोगों का निकलना, मार्केट प्लेसेस मॉल्स, इन सब को लेकर आपकी क्या सोच है और क्या आप नहीं चाहेंगे कि पूरे देश की एक नीति बने जो केंद्र की तरफ से इस पर आए, या आपको लगता है कि ये राज्यों पर छोड़ना सही रहेगा? मैं नहीं मानता हूं कि दिल्ली में बैठकर हम इतने बड़े देश के लिए एक नीति बना दें, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में ठीक है वो केरल में नहीं चल पाएगा। अलग अलग राज्यों की अलग अलग पृष्ठभूमि है, वायुमंडल है, लोगों का खाने पीने का व्यवहार अलग है, और मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय लें बड़ा साइंटिफिक लेना पड़ेगा। हम जज्बात में आके या बहक के कोई निर्णय ले लें वो ठीक नहीं होगा, बहुत सोच समझ के साइंटिफिकली हमें जो ठीक लगता है वो करना चाहिए। जो सबसे रिस्की है उसको लास्ट में हम लोग खोलें, लेकिन जहाँ रिस्क फ्री है या मॉडरेट रिस्क है वहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों का आ जाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मत भूलिएगा, जैसे ही एक स्टेट ने खोल दिया और दूसरे स्टेट ने बिल्कुल नहीं खोला, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर बसें और ट्रेन वापस भर भर के जाएंगी तो संक्रमण फैलेगा, इसलिए बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से हम लोगों को इसीलिए तो सचिन जी मैं ये सवाल पूछ रही थी, क्योंकि अगर सेंट्रल पॉलिसी नहीं होगी और स्टेट्स में ही, आज ही हम देख रहे हैं कि कैसे हरियाणा और दिल्ली में सब्जियों को कैसे बॉर्डर से क्रॉस कराना इसको लेकर एक लॉक जाम हो गया, आपस में बयानबाजी हो रही है। यूपी से अगर बॉर्डर सील करते हैं योगी आदित्यनाथ तो दिल्ली के जो मंत्री हैं वो कहने लगते हैं कि वो तो ऐसा कर रहे हैं जैसे दिल्ली से हम सारे मरीज वहां भेज रहे हैं। ये जो समन्वय, अगर आप एक ग्रीन जोन बना देते हैं मान लीजिए, वहां से कोई भी व्यक्ति रेड जोन में नहीं जाएगा या ऑरेंज जोन में नहीं जाएगा या रेड जोन वाला ग्रीन में नहीं चला जाएगा, ये सब कैसे, इस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट उस स्तर का कैसे हो पाएगा, और ये जो फिर गतिरोध या फिर हम देखेंगे अनबन वो कैसे सम्मिलित, इन सब को तो एक सेंट्रल पॉलिसी ही बेहतर डील कर सकता है ना जी। आज के दिन में कोई भी व्यक्ति, संगठन, पार्टी या सरकार अगर अनबन की बात कर रहे हैं तो देश को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। आज फर्क नहीं पड़ता कौन बंगाली है, मराठी है, पंजाबी है, राजस्थानी है, आज हम सब इस देश के नागरिक हैं, और जो रेड जोन है उसको रेड जोन क्लासिफाई करने के बाद वहां कोई मतलब नहीं है कि हम हस्तक्षेप करें या अपनी मनमानी करें, और ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय ही नहीं है। बॉर्डर किसने बनाए हैं? बॉर्डर हम लोगों ने बनाए हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। आप गाजियाबाद में सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में सुरक्षित हैं, फिर गुड़गांव में सुरक्षित नहीं है, फिर राजस्थान में सुरक्षित है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बड़ा साइंटिफिकली सबको साथ बैठाकर बात करनी पड़ेगी, और जो भी निर्णय लिया जाए सबसे सलाह करके निर्णय लें, निर्णय लेने के बाद बड़ी कठोरता से उसका पालन करना पड़ेगा। और केंद्र सरकार को भी मुझे लगता है जनरल गाइडलाइंस देने चाहिए, लेकिन जो जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर निर्णय है वो राज्य सरकार से सलाह करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी राज्य सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार ही ये संघर्ष और ये कोविड से लड़ाई जो है वो धरातल पर राज्य सरकारें लड़ रही हैं, जिला प्रशासन लड़ रहा है, इसलिए उनसे बात करने के बाद निर्णय लिया जाए। और जो भी निर्णय लें मैं समझता हूँ देश हित में सबको साथ एक दूसरे का देना पड़ेगा। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के बॉर्डर अगर हम फंसे रहेंगे
तो देश हमें माफ नहीं करेगा, हमें तो सबको सुरक्षित रखना है। अगर कोई व्यक्ति यूपी का है या मध्य प्रदेश का है, दिल्ली का है, वो भी देश का बराबर का नागरिक है, मैं तो उसकी भी उतनी चिंता करता हूँ जितने राजस्थान के व्यक्ति की चिंता करता हूँ। इसलिए इसमें तो हमें बड़ा साइंटिफिकली एक्सट्रैपोलेशन कर कि कहाँ पर प्रोपेंसिटी इन्फेक्शन की ज्यादा है वहां पर रोकना पड़ेगा। जहां हम सबको लगता है कि यहाँ पे सेफ जोन है, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद, हाइजीन के सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद धीरे धीरे काम बढ़ाना पड़ेगा। ये समय नहीं है एक दूसरे पर उंगली उठाकर बोलने का कि आपने यहाँ से भेज दिया वहां से भेज दिया। हम सब इस देश के नागरिक हैं और ये जाति धर्म बॉर्डर को देखता नहीं है वायरस, ये हर किसी को भी हो सकता है। उस मानसिकता से अगर हम काम करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्या आप ये स्पष्ट कर पाएंगे कि कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कहा है कि लॉकडाउन को इसी तरह से आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, सारे मुख्यमंत्री वहां बोले भी नहीं थे, कुछ राज्यों ने सजेशंस दिए हैं, कुछ मुख्यमंत्रियों ने बात को रखा है, लेकिन हर राज्य सरकार को इतनी छूट है फेडरल स्ट्रक्चर में अपनी बात को रखें। मुझे लगता है केंद्र सरकार ने जरूरी गंभीरता से सारी बातों को सुना होगा। स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग की बात हम लोग बहुत पहले से करते आए हैं, जिन स्टेट्स में इन्फेक्शन ज्यादा है, जहां पर बिस्तर, वेंटिलेटर, पीपीए किट्स, मेडिसिन ज्यादा चाहिए, उन संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। जो स्टिमुलस पैकेज है अनिना जी, जो देशों ने अब तक अनाउंस किया है उसका तो फ्रैक्शन भी हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, और स्टेट गवर्नमेंट्स की इनकम खत्म हो गई है, जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो चुकी है। उन राज्य सरकारों को अगर आप आर्थिक संसाधन नहीं देंगे तो कैसे हम लोग संघर्ष कर पाएंगे? और मुझे लग रहा है कि फसल की खरीद हो या पीपी किट की सप्लाई हो, टेस्टिंग किट की सप्लाई हो, उसमें केंद्र सरकार को बिना भेदभाव करे, बिना पक्षपात करे आगे आकर मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा देश आज देख रहा है कि कौन लोग, कौन व्यक्ति, कौन नेता, कौन पार्टी, कौन सरकार क्या काम कर रहे हैं। इसलिए हमें देश को आगे रखते हुए सबको साथ लेकर आगे चलना पड़ेगा, और 3 तारीख को मुझे लगता है ये निर्णय ले लिया जाएगा कि आने वाले कुछ दिन और कुछ हफ्ते हम कैसे रहेंगे, और जो भी निर्णय लेंगे सबकी सहमति से लें, उसका फिर हम सब पालन करें। आपके इशारे के आधार पर मेरा अगला सवाल है, क्या फिलहाल की परिस्थिति में केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा हम सभी को भेदभाव से बचना चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, और जो भी आर्थिक पैकेज है या मदद है वो अनुपात के हिसाब से हो, जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा संकट है, वहां उसके अनुपात उसको संसाधन दिए जाने चाहिए। जैसे मैंने कहा, उत्तर पूर्व में जो स्टेट्स है, मेघालय, मणिपुर है, वहां शायद अलग परिस्थितियां हैं, केरल तमिलनाडु में अलग परिस्थितियां हैं, पंजाब राजस्थान में अलग परिस्थितियां हैं, और कोई भी व्यक्ति सुझाव देता है तो उसको बड़ा कंस्ट्रक्टिवली हमें सुनना चाहिए, क्योंकि ये क्राइसिस का समय है। राजनीति जब चुनाव आएंगे, भाषणों का समय होगा, हम सब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आज एक अंतर्राष्ट्रीय, विश्व में, देश में एक बहुत भारी संकट है, इसको हम सब अगर अपनी ताकत को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तभी देश के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण हम लोग बना पाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, और वो इसलिए क्योंकि इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, आपकी पार्टी ने कहा था कि लॉकडाउन को डीमोनेटाइजेशन की तरह लागू कर दिया गया है, थोप दिया गया है देश पर। राहुल गांधी ने कहा कि पॉज बटन है ये, सरकार के पास 3 मई के आगे की स्ट्रेटजी नहीं है। तो आप अभी एक स्टेक होल्डर हैं उस व्यवस्था में जो कोविड के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहा है, उस स्टेक होल्डर के तौर पर मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप अभी तक भारत की इस लड़ाई को संतोषजनक मानते हैं और लॉकडाउन के फैसले को सही बताएंगे, या फिर आपकी राय भी पार्टी की तरह है? हम सब की एक ही राय है कि जो लॉकडाउन भी किया था, आप सबने देखा होगा बॉर्डर्स पर लाखों हमारे मजदूर, माइग्रेंट लेबर खड़े हो गए थे। अगर हम विदेश से लोगों को चार्टर प्लेन में ला सकते हैं तो इन लोगों के लिए हम व्यवस्था बेहतर बना सकते थे। सबसे सरा करके अगर एक कदम लिया जाता तो शायद इसका क्रियान्वयन बेहतर हो सकता था। और मत भूलो अंजना जी, अगर कोई सुझाव देता है तो उसको पॉजिटिव लाइट में लेना चाहिए, और अगर कोई कठोर सवाल भी करता है तो उसका जवाब संतोषजनक देना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन स्टेक होल्डर से संवाद होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी तक किया, आने वाले समय में और संवेदनशीलता से और लोगों को इन्वॉल्व करके करना पड़ेगा। और अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता है, अगर कोई लीगल सवाल है या कोई फाइनेंशियल सवाल है, उसकी पारदर्शिता तो सरकार को दिखानी पड़ेगी। जवाबदेही सरकार की होती है और सरकार को बड़ा बनकर बात करनी पड़ेगी। कहीं पे अगर कोई आरोप अगर कोई लगाता है तो ये समय है कि हम बड़ी पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से काम करें, और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जो आज संवाद हो रहा है, अगर बहुत पहले संवाद किया जाता है तो शायद मिलजुल कर एक बेहतर स्ट्रेटेजी हम लोग बना सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सचिन पायलट जुड़े हुए थे, उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, जिनका ये मानना है कि अभी
कई दिन लग सकते हैं, लड़ाई लंबी है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का वक्त भी साथ ही आ गया है। राज्यों को थोड़ी सी ढील मिलनी चाहिए कि वो अपने राज्य के आधार पर यह तय करें कि किस तरह से वो गतिविधियों को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन में किसी भी तरह की लापरवाही अभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल बरकरार है, सामने है, विकट है, देश को तैयार रहना है। अब मेरे साथ कई अन्य मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार के जय कुमार सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रताप सिंह जी कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साधु सिंह जी कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अब मैं प्रताप सिंह जी राजस्थान के आंकड़े जरा दिखाकर आपके पास आना चाहती हूं और आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। राजस्थान के भी आंकड़े जब हम देखते हैं तो राजस्थान, जिस पर मेरी सचिन पायलट जी से भी लगातार बातचीत हो रही थी, चौथे नंबर पर है। बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब के बीच आगे बढ़ने के लिए आपको क्या लगता है, हॉटस्पॉट्स को लेकर क्या चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं? क्योंकि इस मैप पर जब हम रेड जोन्स देखते हैं, क्योंकि अगर सख्ती बरती जाएगी आने वाले वक्त में तो रेड जोन्स में सबसे ज्यादा, फिर ऑरेंज में, ग्रीन तो खैर कोरोना मुक्त है हम आपको बता दें, लेकिन ये 22 अप्रैल तक के आंकड़े हैं जो जिलावार ढंग से दिए गए थे, तब हमने ये जोन्स बनाए थे और ये मृत्यु दर भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन प्रताप जी, इन रेड जोन्स को अब डील करना सबसे बड़ी चुनौती होगी 3 मई के बाद, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? एक बात मानकर चलिए कि हमारा भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश ने देखा है और हमारी तरफ से पूरी सरकार, पूरी मेडिकल टीम में हर कर्मचारी, हर नागरिक लगा हुआ है, सबकी एक इच्छा पूरे देश में, नो डाउट अकेले राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में 2400 घंटे काम हो रहा है। एक ही टारगेट है कि किसी भी कीमत पर हम इस संकट से मुक्ति पाए, और भीलवाड़ा मॉडल ने हमें एक नई ताकत दी है। वो मॉडल हमने जयपुर में लागू किया, रामगंज में, टोंक में लागू किया, पूरे राजस्थान के सिटी में लागू किया, और धीरे धीरे हमने वो हॉटस्पॉट जिस एरिया में, उसको हमने बिल्कुल, आप मानकर चलिए, लॉकडाउन करके वहां कर्फ्यू लगाकर हमें पता चल गया है कि यहाँ ये तेजी से बढ़ा है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है ये कोरोना, और तुरंत मरीज का इलाज करना, और आप खुद जानते हैं हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम है और सारे लोग जो काम कर रहे हैं बड़ी तेजी से, मन से काम कर रहे हैं, पूरे बिल्कुल वॉर लेवल पे काम हो रहा है। इसीलिए मैंने तो मेरी व्यक्तिगत राय भी चीफ मिनिस्टर से दी थी, मैंने कहा था कि आप प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि 3 मई तक तो पूरा लॉकडाउन रहे। उनसे मैंने कहा यदि भारत सरकार खोल रही है कुछ दुकानें वगैरह, हम मार्केट नहीं खोलें, क्योंकि यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि एक बार खुल गया लोगों का मन बन चुका है, लोग समझ चुके हैं इस बीमारी को, लोग इस तैयारी में हैं कि किसी भी कीमत पर इस संकट से मुक्ति पाई जाए। अब सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ये रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में लोग खुद घरों में रहकर और इस बात को समझ रहे हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, सब घरों में लेकर रहकर पूजा पाठ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। हर आदमी के समझ में आ गई कि यदि इस बार बचाव नहीं किया तो खुद तो मरेंगे ही, परिवार को भी मारेंगे। हर बार मैं लोगों से कहता हूं कि हमारी एक गलती, एक गिलास में पानी पीना, एक मटके में पानी पीना, झूठा पानी पीना, थाली में खाना, ये छोटे छोटे गलतियां जो हमारी है, मास्क नहीं लगाना, भीड़ में जाना, बार बार मुंह पर हाथ लगाना, ये छोटी छोटी गलतियां हम इतना बड़ा अन्याय करवा रही कि आज मैं खुद जहां सिविल लाइन्स में रहता हूं, उसके आगे जाकर दो लोग जो पॉजिटिव आए, दो भाई, मैं उन दोनों को जानता हूं, मैं उनका नाम यहां पर नहीं, उनका फोन आया, मैंने कहा यार ये आपके अचानक, उनकी इतनी हिम्मत है कि उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने कहा हम 100% इससे निकल कर आएंगे, उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों के लिए आप ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, लेकिन ये जब तेजी से बढ़ रहा है तो ये जाति और धर्म नहीं पूछ रहा है कोरोना। इस वक्त जरूरत इस बात की हम राजनीति से, धर्म से, जाति से ऊपर उठे और एक ही संकल्प हो कि जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया, इस संकट की घड़ी में सबसे बड़ा वो है जो खुद का पैसा खर्च कर रहा है, रसोई चला रहा है, राशन के किट बांट रहा है, भीड़ में जा रहा है, ठीक है, और सरकार के साथ खड़े होकर काम कर रहा है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। बिहार सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं, जय कुमार सिंह जी, उनको दिखाइए और आंकड़े एक बार बिहार के दिखाइए। जय कुमार सिंह साहब, आंकड़े तो अभी कम से कम बिहार में कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि चुनौती कम है। हम दिखा रहे हैं कि कितने वहां मामले हैं, 274, और 2 मौतें हुई हैं, 56 लोग ठीक हुए हैं। क्या हम माने अगर यहां की परिस्थितियां ऐसी हैं, 3 मई के बाद आपको लगता है कि बिहार के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर, लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बिहार में? देखिए अंजय जी, यह तो बड़ी एक चुनौती है और देश के सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिहार पूरी लॉकडाउन का अनुपालन कर रहा है और हम तो घर घर में करीब 71,000 घरों में
हमने स्क्रीनिंग किया है जिसमें जो लोग सर्दी जुकाम से मिलने वाली संख्या 2500 मिला, फिर 1900 लोगों की थोड़ी सी संदेह हुई, उनके हमने क्वारंटाइन किया है। तो हम पूरी तरह से सतर्क है, बिहार लॉकडाउन का पूरी तरह से फॉलो कर रहा है और इन दिनों जरूर 2-3 दिनों में हमारे यहाँ कुछ बढ़ा है, आज की भी केस से हम लोग चिंतित हैं, लेकिन पूरी तरह से हम लोग सक्रिय हैं, सभी इसमें से जुड़े हुए संबंधित पदाधिकारी डॉक्टर सभी लगे हुए हैं, इसलिए बिहार हम ऐसा मानता हूं कि हम बहुत कंट्रोल में रहेगा और आने वाले दिनों में हम और अन्य गतिविधियां भी हम चलाने लायक हो जाएंगे। जी, आप लोग स्क्रीनिंग में क्या क्या देख रहे हैं सर, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ एक बार 5 बजे में भी चला है वो ग्राफिक्स निकालिए, 1 सेकंड आपको टोक रही हूँ सर। अभी तक स्क्रीनिंग में आप जो मैं समझ पाई, आप लोग लक्षण के आधार पर और थर्मल इमेजिंग भी कर रहे हैं क्या, थर्मल स्कैनिंग की, किसको बुखार है नहीं है, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ये जो स्क्रीनिंग आप बता रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल 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 ना, हमारी स्क्रीनिंग ये है यदि उनकी टेम्परेचर ठीक है और कोई लगता है कि सर्दी जुकाम टाइप का है तो उसकी एक अलग से जो हम व्यवस्था किए हुए हैं कि ये नॉर्मल है या कोई लक्षण है, तो इन चीजों में से हम लोग 1900 लोगों को ऐसा पाया कि नहीं इन्हें इनकी ब्लड जांच। यही मैं आपको बताना चाह रही थी, एक सेकंड सुन लीजिए सर जी, ये स्क्रीनिंग ही सुन लीजिए, ये जो था पुराना था कोरोना के जो नए लक्षण है, ये बुखार, सूखी खांसी, थकावट पुराना लक्षण था, जो नए लक्षण अब मिल रहे हैं उसमें कपकपी आना, उसमें ठंड लगना, बहुत सारे नए लक्षण अब शामिल हो गए हैं, दर्द होना जोड़ों में, सूंघने में, मांसपेशियों में दर्द जो आप देख रहे हैं, ये नए लक्षण अब आ गए हैं, गले में कोई सूजन हो, एक और चौथा लक्षण है सूंघने में या कपकपी के साथ ठंड लगना, एक और लक्षण है सिर दर्द, ये सारे बहुत सारे नए लक्षण आ गए हैं, और ये स्वाद या गंध महसूस ना होना, ये भी अब आपको अपने कर्मचारियों को या जो भी स्क्रीनिंग के लिए जा रहा है वो बताना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो लक्षण थे और अब जो लक्षण है वो बहुत बढ़ गए हैं, और एसिम्प्टोमेटिक जिसमें कोई लक्षण ही नहीं दिखता वहां पर ये स्क्रीनिंग कारगर नहीं होगी। सिंह साहब, अभी बिल्कुल अंजना जी बिल्कुल ठीक बात है, हेल्थ सेक्टर के जितने भी लोग हैं एक अपने विशेषज्ञों से डेली और डे टू डे और मिनट टू मिनट एक शेयर हो रही है और नई नई चीजें जरूर एक बदलाव आ रहा है, उसको उस तरीके से हम लोग उसमें बदलाव लाते हैं, फिर जांच की हमारी प्रक्रिया भी बदलती है, तो हम हमेशा कॉन्टैक्ट में हैं और जो भी देश के विशेषज्ञ हैं जो भी नई नई बातें आती है उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उस तरीके से हमारी स्क्रीनिंग चलती है और इस तरीके से हम ये मानते हैं कि बिहार में इन दिनों करीब सभी जिला में 1-2 केस तो जरूर आ गया, लेकिन 4-5 जिले हमारे हॉट जिले बन रहे हैं जहां पर हम पूरी तरह से जिस इलाके में हुआ है उसके 3 किलोमीटर की परिधि का हम पूरी कंटेनमेंट जोन बनाए हुए हैं, हम पूरी सतर्कता लिए हुए हैं कि कम से कम हो जो बाहर के हमारे मजदूर जो एक आ गए थे उसमें से भी हमने कुछ लोगों का मिला लक्षण, जो 12 लोग उसमें से हमें पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें हम लोगों की एक चिंता का विषय बनी थी और एकाएक उन्हें हमें क्वारंटाइन करना, आइसोलेट करने में हमारी परेशानी हुई थी, लेकिन फिर भी हम बिहार को संभाले हुए हैं हमारी सरकार और पूरी तरह सरकार संवेदनशील है, हमारी लॉकडाउन की जो परिभाषा है उस पर खड़ी नजर आ रही है। सिवान जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है और वही सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे बाहर लेकिन के आपने लॉकडाउन पर नहीं मुझे बताया, आप लोग क्या चाहते हैं 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़े, केंद्र सरकार एक फैसला ले जो पूरे देश पर लागू हो या राज्यों पर छोड़ा जाए, क्या चाहते हैं? नहीं देखिए माननीय मुख्यमंत्री, कल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो बातें हुई है, जो बातें छन करके आई है, कि जो जिला में 3 तरह की जो जोन बनाया गया है और उसमें से जो रेड जोन होगा, ग्रीन जोन होगा यानी कम संक्रामक होंगे लेकिन बढ़ने की संभावनाएं होगी, और जो ग्रीन जोन होगा जहां कोई चीज नहीं पाया गया है वैसे जिला में हम आर्थिक गतिविधियां भी चलाएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, चूंकि हमें जनजीवन की चिंता है और आर्थिक गतिविधियां भी चले, लोगों की रोजगार मिले, गरीबों को
डेली वेजेज जो काम करने वाले हैं, जो माइग्रेंट लेबर जो फिर बिहार में आए हैं उनको रोजगार मिले, हम उसको चिन्हित कर रहे हैं और हमें डेली हम इन बातों की हमारे सीनियर स्तर पर पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग चल रही है कि कुछ गतिविधियां हम जरूर चलेगी। 3 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ जो वार्ता हुई है कि जो जगह कुछ आर्थिक गतिविधियां चलाई जा सकती है, कुछ निर्माण की कार्य शुरू किया जा सकता है, हम जरूर करेंगे। राज्य इसके लिए पूरी तरह से पैनी नजर रखा हुआ है। ठीक है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। भूपेश बघेल साहब इस वक्त मुख्यमंत्री हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जुड़ रहे हैं। बघेल साहब स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जो ओवरऑल परिस्थिति है ठीक हुई, क्या आपने भी वहां पर अपनी बात रखी, क्या आपने राज्य की तरफ से जो भी कहा हो या अन्य लोगों ने, 3 मई के आगे क्या लॉकडाउन बढ़ सकता है, क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? बघेल साहब, पहली बात तो ये बताना चाहूंगा उस विषय में मैं भी था, लेकिन जो 9 मुख्यमंत्री बोलने का जिनको मौका मिला उसमें मैं नहीं था जी। लेकिन उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जहां कोरोना वायरस नहीं है उन्होंने अपनी स्थिति बताई, और जहां अधिक है उनके बारे में बात हुई। कुछ मुख्यमंत्रियों ने ये जरूर कहा है कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ 28 जिला है, 28 जिला में 23 जिला पहले ही ग्रीन डिस्ट्रिक्ट रहा है, 4 ऑरेंज था, लेकिन पिछले 4 सप्ताह से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। एक रेड जोन था उसमें भी पिछले 10-11 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इस प्रकार से कंट्रोल में केवल 5 मरीज हमारे यहाँ है, जिसमें से 4 मरीज 1-2 दिन में उनकी वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। एक हमारे हेल्थ वर्कर है जो एम्स हॉस्पिटल में ही काम कर रहे थे, उनको पॉजिटिव निकला है, वो 3 दिन पहले की बात है। तो आप आंकड़ों के नजरिए से तो देखें तो छत्तीसगढ़ में परिस्थिति बहुत अच्छी है, आप क्या चाहेंगे 3 मई के बाद लॉकडाउन में रियायत मिले, ढील मिले, राज्य दर राज्य ये डिसीजन हो या सेंट्रल पॉलिसी हो, जो प्रधानमंत्री फैसला ले वही सब पर लागू हो? देखिए, तो आपके पास सारे आंकड़े हैं अलग अलग राज्यों के, चाहे इसके बारे में लगातार आप लोग डिसीजन कर रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थिति है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये इन प्रदेशों में जहां मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां कंट्रोल में है, तो उनको विद इन स्टेट और विद इन डिस्ट्रिक्ट वहां छूट मिलनी चाहिए, और वहां राज्य को ये छूट मिलनी चाहिए कि वो अपने जिलों के अपने प्रदेश के भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए वो उसमें निर्णय ले। बघेल साहब, अन्य राज्य जो है उसमें महाराष्ट्र पर क्या चर्चा हुई, गुजरात पर क्या चर्चा हुई, राजस्थान पर अगर आप थोड़ा बताएं, क्योंकि पूरा देश आज जानना चाह रहा है कि ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है, मैं आंकड़ों के नजरिए से अगर आपको बताऊं तो जो टॉप 5 राज्य है इन तीनों के आंकड़ों को जोड़ दें तो 66% जो मामले हैं पूरे देश के वो इन 5 राज्यों से आते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। देखिए, इसमें न महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बोलने का मौका मिला है, न राजस्थान के मुख्यमंत्री को बोलने का मौका मिला है। विजय रूपाणी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलने का अवसर मिला, वो सारी स्थिति अपने प्रदेश के जो आंकड़े हैं उनको भी बताया, और वो जो रोकथाम के लिए जो कदम उठा रहे हैं उसकी भी जानकारी उन्होंने दी है, और लॉकडाउन के बारे में कहा कि इसको जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकांश जो जिले हैं वो ऑरेंज हैं या रेड जोन में, कुछ जिले हैं वो केवल ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसी स्थिति में उनका कहना स्वाभाविक है कि वहाँ लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस जो शासित प्रदेश है उनमें से किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने वहाँ पर बोला? पांडिचेरी के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला, और उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनको आने जाने का अवसर मिलना चाहिए, जो कर्मचारी या उसके परिवारजन या फिर छात्र छात्राएं हैं उनको आने अपने राज्यों में लौटने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरा ये कि अभी लॉकडाउन के चलते जो भारत सरकार ने फैसला लिया है तो सारे आर्थिक गतिविधि बिल्कुल बंद हो गए हैं, राज्य के राजस्व में भारी कमी आई है, और या कहे जाए तो शून्य है या न्यून है, तो ऐसी स्थिति में
केंद्र सरकार से सहायता मिलना चाहिए और आर्थिक गतिविधि संचालित करने का भी अवसर राज्य सरकारों को मिलना चाहिए। ठीक है, और एग्जिट पॉलिसी पर ही हम बात कर लेते हैं। एक तो ये जोन हम दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक, लेकिन इटली का एग्जिट प्लान हम दिखाकर आपसे बघेल साहब सवाल पूछना चाहते हैं। अलग अलग दिनों देशों में जो लॉकडाउन रहा, कितने दिनों तक रहा, इटली सबसे मुश्किल दौर से गुजरने के बाद जिस एग्जिट प्लान के साथ आया है उसमें उसका मानना है, दूसरे इलाकों में आवाजाही नहीं हो, छोटी दुकानें बाजार नहीं, पार्क और पब्लिक गार्डन को वो लेके खोलना चाहते हैं, म्यूजियम लाइब्रेरी गैलरी 18 मई से खुलेंगे, बार रेस्टोरेंट हेयर ड्रेसर 1 जून से, स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं वो भी धीरे धीरे, एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियां खुले, पब्लिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हो, इलाके में एक दूसरे के घर आना जाना ये भी धीरे धीरे शुरू हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीमित वो शुरू करना चाहते हैं 4 मई से। क्या आपको लगता है कि इस तरह का एक एग्जिट पॉलिसी, एक एक चीज चिन्हित करके भारत को भी सोचना चाहिए, और अगर ऐसा हो तो किन चीजों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि जो आम आदमी से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें छूट मिलना चाहिए। जैसे अभी अब छत्तीसगढ़ की बात मैं करूं, छत्तीसगढ़ में ही बहुत सारे लोग हैं जो एक जिले के लोग हैं वो दूसरे जिले में फंसे हुए हैं, चाहे इलाज कराने गए हों, चाहे बच्चे पढ़ने गए हों, चाहे रोजगार के लिए गए हों, किसी कारण से दूसरे जिले में फंसे हैं, तो उनको पहले अनुमति मिलना चाहिए कि वो अपने घर को लौट सके। दूसरा यह है कि जिले के भीतर जो व्यावसायिक गतिविधि है उसको संचालित करने की पूरी छूट होनी चाहिए जहाँ ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है। दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास यदि जरूरत है तो ई पास जारी किया जाना चाहिए, लेकिन सीमा को सील करके रखना चाहिए, राज्य की सीमा को सील करके रखना चाहिए। जो बातें आपने कही है कि जो मॉल है, जो थिएटर है, जहाँ सेंट्रलाइज एसी है, वहाँ उन लोगों को अभी तत्काल शुरू नहीं करना चाहिए, उसको लास्ट में करना चाहिए, तो इससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें प्राइवेट व्हीकल वगैरह को भी अनुमति मिलना चाहिए, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें तो सोच समझ कर ही निर्णय लेना उचित होगा, क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। जहां तक के शहरों में जो हॉट स्पॉट है वहां तो बिल्कुल ही बंद करके रखना चाहिए, लेकिन जो जिन जिलों में या जिन शहरों में हॉट स्पॉट नहीं है, ग्रीन जोन में आ चुके हैं, उनमें गतिविधि संचालित करने की अनुमति मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल बघेल साहब आपसे। देखिए, लॉकडाउन 2 में प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन 1 का ऐलान किया था तो उन्होंने सीधा कहा था इसको आप कर्फ्यू ही माने, संपूर्ण लॉकडाउन है, जो जहां है वही रहे। दूसरे लॉकडाउन में, लॉकडाउन 2 में उन्होंने कहा जान भी जहान भी, धीरे धीरे कुछ जगहों पर ढील, लेकिन अगर मामला नहीं सुधरता है तो वहां भी सख्ती बरतनी होगी। आप बार बार कह रहे हैं और जितने भी इससे पहले सचिन पायलट साहब भी आए थे वो भी कह रहे थे कि मजदूरों को लेकर सरकार को सोचना होगा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि फिर लॉकडाउन का क्या अर्थ रह जाएगा, अगर कोटा से छात्र हो या मजदूर हो वो सब एक दूसरे राज्यों में जाने लगेंगे तो फिर इस लॉकडाउन का क्या अर्थ रह जाएगा, फिर तो एक तरह की ढील हो जाएगी, क्योंकि उसको 100% मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्या आपका मानना है कि लॉकडाउन 3 में इंटरस्टेट ट्रैवल शुरू हो जाए, क्योंकि तभी तो मजदूरों का हो या फिर कोटा के बच्चों का हो, ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनको दूसरे राज्य में पहुंचाया जाएगा? देखिए, जब कोटा के जब छात्रों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, आसाम भेजा जा सकता है, तो मजदूरों को क्यों नहीं भेजा जा सकता? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या संख्या कम या अधिक होना ही पैमाना है? तो नहीं है। यदि आप छात्र छात्राओं को केवल कोटा के छात्र क्यों, हैदराबाद में, पुणे में, मुंबई में या दिल्ली में फंसे हुए छात्र क्यों नहीं आना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। और हमने छत्तीसगढ़ में यही फैसला किया है कि जो छात्र छात्राएं फंसे हैं उनके भी लिस्टिंग हम कर रहे हैं, और जो मजदूर अलग अलग राज्यों में हमारे रुके हुए हैं, काम करने काम के तलाश में गए हैं, उनको भी आने का अवसर मिलना चाहिए। तो सबके हम लोग सूचीबद्ध कर रहे हैं किन किन राज्यों में। आर्थिक गतिविधि कैसे शुरू होगी अगर मजदूर सब अपने अपने घर लौट जाएंगे तो? जी, फिर आर्थिक गतिविधियां कैसे धीरे धीरे शुरू होंगी अगर मजदूर लौट जाएंगे तो? देखिए, आर्थिक गतिविधि कैसे संचालित होगी
ये तो देखिए, आप यदि इंडस्ट्री शुरू करेंगे, ग्रामीण रोजगार तो चल रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में 13 लाख मजदूर अभी मनरेगा में काम कर रहे हैं। तो यदि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर आते हैं और उसके पास यदि मनरेगा जॉब कार्ड है, उनको तो तत्काल काम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो शहरी मजदूर है, जो इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जब तक इंडस्ट्री काम नहीं शुरू होगा तब तक के उनके रोजगार की समस्या बनी रहेगी। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से जो मजदूर गए वो ग्रामीण क्षेत्र के ही मजदूर गए, शहर के मजदूर तो बहुत कम होंगे, वो तो नौकरी में गए होंगे, लेकिन मजदूर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के गए हैं और उनको हम सूचीबद्ध कर रहे हैं, उसे लाएंगे। धन्यवाद आपका भूपेश बघेल साहब, हमने मामले भी आपके छत्तीसगढ़ में जितने हैं दिखा दिए हैं, अभी तक मृत्यु नहीं हुई है और कोरोना यहाँ पर कम से कम आपके राज्य में नियंत्रित दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बैठक के बारे में जो प्रधानमंत्री के साथ हुई उसकी भी जानकारी उन्होंने दी, और इसके साथ ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में लॉकडाउन को लेकर थोड़ी ढील के साथ धीरे धीरे आगे एग्जिट प्लान की तरफ भारत को बढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाना है। साधु सिंह जी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार के जुड़े हुए हैं। साधु जी मुझे एहसास है बहुत देर मैं आपके पास आ नहीं पाई, लेकिन फौरन आपके पास आते हुए सर हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं, और पंजाब के मद्देनजर जब हम परिस्थिति को देखें तो ये साफ दिखाई देता है कि उन राज्यों में पंजाब है जिसने सबसे पहले पिछली बार भी कहा कि नहीं हम लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहते हैं, हम कर्फ्यू की परिस्थिति रखना चाहते हैं, कई सारे जो वहां पर मामले थे कई जगहों पर बेतहाशा भागे। अभी आप क्या चाहते हैं, 313 कुल मामले, 71 ठीक हुए हैं, 18 लोगों की मौत हुई है, आपकी के राज्य की सरकार क्या सोच रही है 3 मई के बाद की परिस्थिति पर, लॉकडाउन बढ़ाएं? देखिए पंजाब की सरकार, जब पंजाब में ये कोरोना की महामारी ने दस्तक दी तो पंजाब की सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले सबसे पहले लॉकडाउन का ऐलान किया था, और उसके बाद थोड़ा काबू से बाहर होने से उन्होंने ना चाहते हुए भी कर्फ्यू जैसा कदम उठाना पड़ा, जिससे हम समझते हैं कि पंजाब का बहुत बुरा होने से बच गया, क्योंकि पंजाब के लोगों में इतना प्यार है, परहुणचारी, एक दूसरे को भोजन सिखाना चाहते हैं, एक दूसरे से बैठना चाहते हैं, ज्यादा मिलके बैठना चाहते हैं। अगर कर्फ्यू ना लगता था पंजाब का बहुत नुकसान होता। और ये मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब पंजाब में कर्फ्यू लगा के पूरे देश में तरह तरह की 2-3 दिन बातें हुई कि पंजाब में कर्फ्यू कैसा लग गया, और आज मैं सकता हूँ कि पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में लोग पंजाब को फॉलो कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने जो पंजाब में बड़ा कदम उठाया है उससे बहुत बड़ा बचाव हुआ है। और उसके बाद जो जितना बचाव के लिए जो गरीब आदमी है उनके खाने की सुविधा घर घर पहुंचाने के लिए सरकारी तौर पर, गैर सरकारी, लॉकडाउन बढ़े या नहीं ये आप नहीं बता रहे हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं अपनी सरकार का। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, हम फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। ये वो वक्त है जब सबको मिलकर एक देश के तौर पर कोरोना को हराना, धीरे धीरे लॉकडाउन को भी हटाना, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री का पैसा नहीं आता है 3 मई तक इंतजार करना होगा, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।